वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों का आज पुनः इस चैनल पर स्वागत है। टेंथ के केमिस्ट्री पोर्शन में फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में चर्चा किया, जिसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे, नोट्स भी तैयार किए होंगे। आज पुनः उसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर में हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। आज का जो मेन पॉइंट्स है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसको हम वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब विघटन होता है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी, यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी विलयन में, तो उस विलयन के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, मीन्स विलयन जिससे बना होता है उसके जो भी पार्ट हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे जल है, जिसको हम H2O कहते हैं, यदि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और डिकम्पोज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, और इलेक्ट्रो का शाब्दिक अर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, मींस इलेक्ट्रिक करंट को जब हम प्रवाहित करते हैं तो लाइसिस हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह से H2O, H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा डिकम्पोजिशन, सूर्य के प्रकाश में डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसको हम फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, केमिकल रासायनिक विघटन, प्रकाश ये रासायनिक विघटन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला है AgCl, सनलाइट के इफेक्ट में सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है Ag+Cl2। यहाँ एक प्रोसेस के रूप में दिखाया गया है, फिगर आप देख रहे हैं, सनलाइट रेस पड़ रही है, एक डिश है जिसमें सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, इसको वॉच ग्लास कहते हैं, वॉच ग्लास में सिल्वर क्लोराइड लिया गया है। इस सनलाइट के रेस के प्रभाव में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, फोटोलाइसिस प्रकाश के प्रेजेंस में विघटन किस तरह से होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। फिर से सुने, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी मैंने फिगर को बताया, फिगर में दिखा रहा है सनलाइट का इफेक्ट, वॉच ग्लास में सिल्वर क्लोराइड है जो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के इफेक्ट में सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। इक्वेशन दिया गया है AgBr एरो Ag+Br2, इक्वेशन बैलेंस्ड कर लीजिए। तो जितने भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, केयरफुली इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं, विघटन अभिक्रियाएं हैं, इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी।
दैट इज दीज रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अपक्रियाओं को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, इसको हम उष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहते हैं। इस सच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स इफ रिक्वायर्स द एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ज़्यादातर ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज की जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब जैसे धातुओं का निष्कर्षण, रॉ मटेरियल्स है, ओर्स है, मिनरल्स है, उससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक चार्ट है जो एक्टिविटी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉमन मेटल्स है, दिया गया है। इस चार्ट को आप बनाएंगे, याद करेंगे किस तरह से इनके क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आप ऊपर से देखते हैं, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे इन अपर मोस्ट पोटेशियम एंड लोअर मोस्ट गोल्ड। तो ऊपर से जब चलते हैं नीचे की तरफ तो ये मोस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए इन जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल इन दीज एलिमेंट्स विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो आप कहेंगे पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, देन आफ्टर सोडियम। तो इसी तरह से ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे कम रिएक्टिव जो मेटल्स होगा वह होगा गोल्ड। नीचे देखेंगे गोल्ड सबसे नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है अप टू डाउन वर्ड। आगे ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं, विस्थापित होते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं वो डिस्प्लेस आर रिमूव अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिए, दोज रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आर रिमूव अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टैंड है और स्टैंड के सपोर्ट में एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। और टेस्ट ट्यूब फिगर देखिए, स्टैंड के साथ में एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट जिसको हम CuSO4 कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? CuSO4। इस टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। अब इसमें एक थ्रेड है, थ्रेड से बंधा हुआ आयरन नेल है, लोहे की पतली सी कील है जो थ्रेड से बंधा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया गया। फिर क्या होता है? धीरे धीरे रिएक्शन शुरू होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन रिएक्शन करने लगता है। फिर क्या होता है? आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मींस आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब डुबो दिया जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है यह डिस्प्लेस हो जाता है। कॉपर क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। तो सच टाइप ऑफ द डिस्प्लेसेस इट्स नन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe+CuSO4 आयरो Fe+SO4 प्लस Cu, ये आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर से सुन लीजिए, When a piece of iron metal is dipped in a solution of copper sulfate, deep blue color of copper sulfate starts fading and starts converting into green color.
This is due to displacement of copper from copper sulfate. Now in this experiments, copper sulfate, copper displaced from copper sulfate solution, and iron attached to the sulfate to form a iron sulfate. Now change in this reaction, changing in the coloration. Copper sulfate are in blue color. To its convert in the period of iron sulfate a green color. Means blue color convert to green color. This is a displacement reaction. Now next example of the displacement reaction. Displacement of copper by zinc. कापर बाई जिंक. ध्यान दीजिए, इसी तरह से हम जिंक के टुकड़े को, जिंक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को कापर सल्फेट सॉल्यूशन में यदि हम डाल दें, रिएक्शन करा दें, तो कापर, यह जो कापर सल्फेट है, जिंक कापर सल्फेट से कापर को डिस्प्लेस कर देता है. इफ़ वी डीप ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इन कापर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक डिस्प्लेसेस कापर फ्रॉम कापर सल्फेट. जिंक डिस्प्लेसेस कापर. जिंक कापर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम कापर सल्फेट, फॉर्मिंग ए जिंक सल्फेट एंड कापर मेटल्स. दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम दोहरा विस्थापन अपक्रिया कहते हैं. दोहरा विस्थापन अपक्रिया क्या है? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स are called double displacement reaction. Now that is a type of the exchange reaction. Double displacement reaction है, जैसे sodium sulfate है या N2SO4 और barium chloride. तो barium chloride और sodium sulfate, यहाँ पर barium sulfate और sodium chloride compounds का formation हो जाता है. Now in these reactions, the reactant, it means sodium sulfate and barium chloride, are attacked to each other to form a sodium chloride and barium sulfate. This is a double displacement reaction. Now here in the figure, you can see here two test tubes are attached to each other. In one, barium sulfate white precipitate and another, barium chloride to displaces to form sodium sulfate to form a barium sulfate. तो test tube के माध्यम से हम barium chloride और barium sulfate को एक दूसरे से double displacement reaction को दिखाते हैं. तो double displacement reaction are double decomposition reaction can be further classified in two types. दो प्रकार के reactions में यह divide होते हैं. एक precipitation reaction, दूसरा neutralization reaction. Precipitation reaction क्या होता है? Precipitation reaction का मतलब जिसको हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं. अवक्षेप बनता है, precipitate बनता है. जैसे बेरियम सल्फेट जो बनाए या प्रिसिपिटेट, इसको हम पीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, प्रिसिपिटेट, अवक्षेप. दोज रिएक्शन इन विच टू क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस ऑन मिक्सिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आर नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज नोन एज ए प्रिसिपिटेट. फिर से ध्यान देंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो अस्पष्ट और पारदर्शी विलयन एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद यह एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो
इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है वह प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है, मीन्स जो घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, वह बाहर आ जाता है, उसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के रूप में कहते हैं। एंड द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो बनता है अघुलनशील पदार्थ, उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें सोडियम सल्फाइड Na2S और लेड एसीटेट CH3COO ब्रैकेट में ट्वाइस PB, ये दोनों आपस में क्रिया करके PbS लेड सल्फाइड ब्लैक प्रिसिपिटेट एंड सोडियम एसीटेट CH3COO। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करें, अम्ल और क्षार मीन्स ए सच टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नन एस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हों, उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। रिएक्शन देखिए, HCl और NaOH, NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना लिया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जब किसी पदार्थ से अभिक्रिया करता है, जुड़ता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस, या किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ दो प्रकार की परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं। एक तो पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को बच्चों ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ही हो गया कि ऑक्सीजन के साथ किसी से क्रिया हो रही है, किसी पदार्थ से, तो ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर हाइड्रोजन किसी पदार्थ से निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन, घटना, निकल जाना, अपचयन, अपचयित हो जाना। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यदि पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। नाउ सेकेंड डिफिनीशन देखिए रिडक्शन का, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस, या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना किसी पदार्थ से, रिडक्शन कहलाता है। जस्ट अपोजिट है जैसे ऑक्सीडेशन में मैंने बताया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्टेंस, उसी तरह से रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस। यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, वहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर विच इन कंबाइंड स्टेट दैट इज नन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शन, जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक अभिकर्मक और रिड्यूसिंग एजेंट को अपचायक अभिकर्मक क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन
फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन दैट सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Another way, the substance which removes hydrogen is also called oxidizing agent. Now another reducing agent, the substance which gives hydrogen for reduction, जो hydrogen देते हैं पदार्थ किसके लिए, अपचयन के लिए, उसको reducing agent कहते हैं। Or the substance which removes oxygen is also called a reducing agent. That is a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको रिडॉक्स के बारे में बताया, रेड रिडक्शन ऑक्सीडेशन दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ए सच टाइप ऑफ द रिएक्शन और इट मीन्स बोथ टाइप ऑफ द रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ ऐसी अपक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ध्यान दीजिए, इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग ए ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड लूजिंग ए ऑक्सीजन, सो इट इज बींग रिड्यूस्ड टू जिंक, so it is being reduced to zinc. Carbon is gaining oxygen, carbon is gaining oxygen, so it is being oxidized to carbon monoxide. Carbon जो है oxygen gain कर रहा है और जिससे carbon monoxide बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो reaction है ये क्या है, कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन टू इट इज बींग ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इज यूज इन द फॉर्म ऑफ कोक फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ अनदर एग्जाम्पल, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन एंड वाटर। इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड इज बींग रिड्यूस्ड टू मैग्नीज क्लोराइड, ऑन द अदर हैंड HCl इज लूजिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म क्लोरीन। So hydrochloric acid is being oxidized to chlorine. In this reaction, manganese dioxide is the oxidizing agent, whereas hydrochloric acid is the reducing agent. Now next, effects of oxidation reaction in everyday life. The last points of this topic. Effects of oxidation reaction in everyday life. हमारे जीवन में oxidation का प्रभाव क्या है, oxidation reaction का क्या प्रभाव है। Oxidation has damaging effects on metals. Oxidation का प्रभाव है एक प्रकार का damaging effects metals पर, धातुओं पर, as well as on foods, जैसे भोजन पर, भोजन पर भी प्रभाव पड़ता है। द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज ए कोरोजन एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीज एज रैंसिडिटी। अगर भोजन पर प्रभाव पड़ता है तो वह रैंसिडिटी कहलाता है और मेटल्स पर प्रभाव पड़ता है तो वह कोरोजन कहलाता है। कोरोजन का मतलब होता है क्षरण, क्षय, डीके, कोरोजन ऑफ मेटल्स। ध्यान देना बच्चों, कोरोजन ऑफ मेटल्स क्षरण या क्षय या फिर डीके, जैसे
rusting of iron metals is the most common form of corrosion. समझ में आ रहा होगा, rusting of iron, लोहे पर जंग लगना, यह महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है corrosion का. तो corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface. It is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air. Example, rusting of iron. When an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red-brown flaky substance called rust. Red-brown color में change हो जाता है, जिसको हम rust कहते हैं, जंग कहते हैं. This is called rusting of iron. Example, equation के रूप में देखें, iron है, oxidation हो रहा है, air. Moisturization, moisture के presence में भी. तो hydrated iron बन जाता है Fe2O3 into H2O. That is a rusting iron. Unwanted oxidation of iron metal, which occurs in nature on its own. Rust is a soft and porous substance which gradually falls off from the surface of an iron object. This is a corrosion process. Now, we can say in the definition, corrosion weakens the iron and steels, objects and structures such as railings, car bodies, bridges and ships, etc. and cuts short their life. Means corrosion ka matlab chai decay. So this is a very important points. Now last, rancidity. Very, very important points. Rancidity. Definition, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Rancidity का मतलब आप घटन, जैसे food है, food components decompose हो जाए, decomposing materials के रूप में, तो उसमें एक bad smell आने लगती है, unpleasant smells, that is called rancidity. Rancidity spoils the food materials, prepared fats and oils which have been kept for the considerable time and makes them unfit for eating. जो खाने के लिए उपयोगी नहीं होता है, यदि हम भोजन, ज़्यादातर rancidity का example अगर हम लोग देखना चाहें तो गर्मियों में बहुत अधिक देखने को मिलता है, बहुत जल्द ही decompose हो जाता है. Spoils the food materials, that is called rancidity. Rancidity can be prevented by adding the antioxidants to food containing fats and oils. Antioxidant in a substance or chemical which prevents the oxidation. Jo oxidation process hota hai rancidity ke case mein, उसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट सबस्टेंस का प्रयोग करते हैं. द कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी आर BHA. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ BHA? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसपल. ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसपल एंड BHT. Full form of BHT, butyrated hydroxytoluene. This is the full form of the common antioxidants used in the foods to prevent the development of rancidity. So dear students, this is a last points of your दिस लेक्चर्स. आज आपने इस केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर का लास्ट पॉइंट्स भी पढ़ा, रैंसिडिटी और
कोरोजन जो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव है, इसके बारे में पढ़ा। क्वेश्चन कई बार हाई स्कूल बोर्ड में पूछा जा चुका है, रैंसिडिटी और कोरोजन पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं, उसे भी आप करेंगे। होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगले लेक्चर में जब हम शुरू करेंगे तो इस होमवर्क का जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर हम देंगे। तो उस आंसर से आप मैच कराएंगे, आप पहले स्वतः अपने विवेक से, अपने दिमाग से उसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। तो आप होमवर्क भी नोट कर लेंगे। होमवर्क मैं क्वेश्चंस का जो है बनाया हूँ, वीडियो के साथ में ही है, क्वेश्चन बना हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग टिक करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप रिएक्शंस के रूप में दिखा करके बैलेंस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपको करना है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला जानते हो, कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर हम सिंबल नहीं दिखा रहे हैं, सिंबल सहित आप रिएक्शन और बैलेंस्ड करेंगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इजी है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हम एक इसका बता रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन है H2 और नाइट्रोजन है N2, अब दोनों रिएक्शन करके बना रहा है अमोनिया NH3, आप इसको बैलेंस करके दिखाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये चार क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में चार ABCD करके दिया है, चारों के रिएक्शन लिखेंगे, कंप्लीट इक्वेशन और बैलेंस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दिया गया है, आपको बैलेंस्ड करना है। जैसे HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O बैलेंस करना है, NaOH H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, NaCl प्लस AgNO3, AeroAgCl प्लस NaNO3, BaCl2 प्लस H2SO4, AeroBaSO4 प्लस HCl, ये इक्वेशन रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बैलेंस्ड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उसके एग्जांपल देने हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया है, बताया है, आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इस ये चैप्टर समाप्त हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चार चैप्टर से मैं आपको, सॉरी, इस फर्स्ट चैप्टर से मैं चार क्वेश्चन आपको दिया हूँ, चारों आपको करना है। और हम जब नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे तो उसके साथ में हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चौथा जो क्वेश्चन है वह है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल द अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल द अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये चार क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिला हुआ है। एक और लास्ट 5 क्वेश्चन है, जो कि चार ठीक नहीं है, इसलिए 5 क्वेश्चन होना जरूरी है प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी आपको लास्ट चैप्टर के लास्ट एंडिंग में बताया,
कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ईच, जैसे कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन क्या है, रैंसिडिटी क्या है, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इसके एग्जांपल देने हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन जो लास्ट है होमवर्क के रूप में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ईच, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। आप जरूर इन सभी प्रश्नों को करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी एवं इन्हीं सभी प्रश्नों में निश्चित रूप से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिए हैं ये इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर समापन के बाद एक मैसेज भी हम देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अपने घरों में लॉकडाउन के अंतर्गत हैं और लॉकडाउन के सभी नियमों को आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना ही होगा, क्योंकि इन दिनों यह जो वैश्विक महामारी है इससे पूरा विश्व झेल रहा है और जिसमें हम सभी देशवासी भी हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों की गाँव में भी बाहर से लोग आ रहे हैं, उनसे हमें बचना है, इसलिए आप अपने आप को बचा करके रहेंगे, आप डिस्टेंसिंग बनाएं, आप कहीं मत जाएं, आप दोपहर में घर पे बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे, अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक संदेश और दिया था, यदि आपको मेरा लेक्चर निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, यदि आपके पास उनके नंबर हैं तो उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और हम आपको समय समय पर केमिस्ट्री ही नहीं बायोलॉजी के भी लेक्चर देता रहूँगा, और जिससे आपको किसी भी प्रकार की पठन पाठन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो आज बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।